हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और लाभदायक होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो टिप्स मैं बताती हूँ अगर आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप जिंदगी भर रोग मुक्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये टिप्स क्या है। एसिडिटी की वजह से बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं। किसी को तो इतनी ज्यादा बनती है कि डेली उनको दवाई लेनी पड़ती है। वो कई कई बार एसिडिटी की दवाई लेते हैं। और जो लोग सादा खाना खाते हैं, बच्चे हैं या कोई भी है, कभी ना कभी मतलब सभी को ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम से इतना बॉडी को परेशानी होती है। खाना खाने के बाद अगर आपके सीने में जलन होती है, गले में खट्टी डकारें आती है, गले में जलन होती है, तो करना क्या है? ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको अपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। खाने को इतना टेस्ट लेकर खाना है कि मानो पहले कभी खाना नहीं खाया है, पहली बार खाना खाने बैठे हैं और खाना सारा आपकी मनपसंद है। इतना टेस्ट लेकर खाना है, खुश होके खाना है। जब भी आप खाने के सामने बैठो तो खुश होके खाने को देखना है कि मानो खाना कितने दिनों बाद आपको मिला हो। और पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि जिन्होंने हमको ये खाना दिया है, इतना अच्छा भोजन आपको दिया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप अच्छा भोजन कर सको। फिर आपको खुशी के साथ पूरा टेस्ट लेके खाना खाना है। उसके साथ टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है या किसी और चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। उसी टाइम आपको सिर्फ खाने के बारे में ही सोचना है। खाने को बहुत अच्छे से चबाना है जब तक कि आपके मुँह में पूरा अच्छी तरह से पेस्ट ना बन जाए। छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं खाने के, धीरे धीरे चबा चबा करके खाना है। जब तक एक टुकड़ा अच्छी तरह से पेस्ट ना बन जाए, वो पूरा लिक्विड के रूप में ना बन जाए, आपको दूसरा टुकड़ा मुंह में नहीं डालना है। आप देखेंगे कि आपका पेट भी भारी नहीं होगा। कई बार मानो ऐसा लगता है जैसे पेट भारी हो गया, तब अगर आप चबा कर खाएंगे तो आपका पेट भी भारी नहीं होगा और एसिडिटी बनने का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि खाना आपकी मनपसंद नहीं है या सब्जी आपको पसंद नहीं आ रही है, तब खाने को कई तरीकों से चेंज किया जा सकता है, अपनी पसंद का बनाया जा सकता है। जैसे घर में शक्कर होती है, मीठा होता है, आप रखते हैं, मीठे का मतलब चीनी नहीं है, चीनी को आपको अवॉइड करना है क्योंकि चीनी अच्छी नहीं रहती है, चीनी मोटापा बढ़ाती है। तो जो गुड़ वाली शक्कर रहती है, ब्राउन शक्कर होती है, आप कई बार सब्जी को पसंद नहीं करते हैं तो आप रोटी ले लीजिए और उसके ऊपर शक्कर रखिए, उसमें देसी घी मिलाइए, फिर उसके साथ थोड़ा गुनगुना फीका दूध ले लीजिए, क्योंकि मीठे के साथ हम दूध पी सकते हैं, नमक के साथ दूध नहीं पीना है। फ्रिज वाला ठंडा दूध यूज नहीं करना है क्योंकि फ्रिज की ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं, वो आपको नहीं लेना। थोड़ा हल्का गुनगुना कर लीजिए और मीठे के साथ रोटी को खाइए और फिर सिप सिप करके एक एक घूंट दूध की पीजिए, तब आपको इतनी मतलब मज़ेदार लगेगी, इतनी टेस्टी लगती है वो खाने में, और आपको स्वाद भी आएगा, आपका टेस्ट भी बदलेगा। रोज़ रोज़ आज सब्जी रोटी खाते हैं, एक दिन अगर मीठे के साथ खाएंगे, और ऐसा खाना स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होता है। इसमें चाहे मोटे हो या पतले हो, कोई भी हो, जब आप चबा चबा करके खाने को धीरे धीरे खाते हो तो एक समय ऐसा आता है फ्रेंड्स, खाते खाते आराम से चबा चबा कर खाते हैं कि अपने आप ही संतुष्टि हो जाती है कि नहीं अब पेट भर गया, अब खाना रोक देना चाहिए। लेकिन जब हम फटाफट से खाना खाते हैं जल्दी जल्दी से, तो हम तय नहीं कर पाते कि पता नहीं पेट भरा नहीं भरा। हम उस टाइम ये तय करते कि नहीं इसको भी खा लो, इसको भी खा लो, ये भी बच रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। जब हम धीरे धीरे रिलैक्स होकर खाना खाते हैं तो खाना इतनी अच्छी तरह से जाता है बॉडी में, मानो शरीर में एक नई स्फूर्ति दे देता है, एनर्जी दे देता है, और ना पेट भारी होता है, तो उससे कभी भी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। फिर अगर आप चावल खाते हैं, आपको सब्जी पसंद नहीं आ रही, तो इसी तरह से आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें घी डाल के, वो बहुत टेस्टी होता है, एनर्जेटिक भी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप खाने के टेस्ट को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाना पहले से ही मज़ेदार लग रहा है, सब्जी अच्छी लग रही है, तो उसको अच्छे से खाइए। जैसे सलाद खाते हैं तो सलाद को पहले चबा चबा कर पहले सलाद को खाइए भोजन से पहले, फिर अपने खाने को खाइए, और आप देखेंगे कि आप थोड़े ही खाने में आपको संतुष्टि होने लगेगी। फिर आप पूछेंगे कि जैसे तला भुना है या मिर्च मसाले वाला खाना है तो उसके बाद तो एसिडिटी बनती है, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभार तला भुना खाना हमें अच्छा लगता है, जैसे कभी कभार में हमने समोसे खा लिए, कभी कभार में पकोड़े घर में बने हैं, तो वो मन कर जाता। अब ऐसे तो हम है नहीं कि एकदम से योगी बन गए हो कि सब कुछ त्याग दिया हो, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता है, कभी ना कभी तो सभी खाते ही हैं, तो तब आप क्या करें,
आप तला भुना खाइए, कभी कभी आप समोसे भी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, उसी तरह समोसे अगर खा रहे हैं तो एक समोसा लेना है, मतलब कम मात्रा लेनी है। जिस चीज़ को भी आप खा रहे हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी कम ले लीजिए, मतलब ज़्यादा मत रखिए। फिर उसको चबा चबा कर खाइए, उसका टेस्ट लेकर खाइए, फिर देखिए कि वो आपको एसिडिटी नहीं करेगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि एसिडिटी हो रही है तो तब आपको क्या करना है, खाने के एक घंटे बाद आपको गुनगुना पानी पीना है। कैसा? ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, कैसा भी ठंडा हो, घड़े का हो या कैसा भी, उस टाइम आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। ये मेरे एक्सपीरियंस से है, मैं आपको बता रही हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जैसे कि सभी की प्रकृति होती है, किसी की पित्त होती है, किसी कफ होती है, किसी की वात होती है, तो ऐसे मेरी प्रकृति पित्त प्रकृति है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में पित्त जो है वो ज़्यादा बनता है, मतलब पित्त प्रकृति वालों को पित्त की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जैसे एसिडिटी बनना ऐसा। तो आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ाई करती थी तब क्या हुआ, ऐसे मुझे पित्त बनने लग गया। जो खाना खाती थी तो सेम टाइम उसके बाद गले में जलन होती थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। उधर मेरे एग्जाम चल रहे थे और मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली। मुझे खुजली भी होने लगी थी, लाल लाल चकत्ते से हो जाते और खुजली हो जाती, वो पित्त की वजह से हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी, अगले दिन मेरा एग्जाम था, मैंने दवाई खा ली तो मुझे सेम टाइम नींद आ गई। मैं 2-3 घंटे तक सोई रही और मैं अपनी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई। तब उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुई, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा। लगातार 10-15 दिन तक मैं इस चीज़ से परेशान रही थी। फिर मैंने 1-2 लोगों से, अपनी मम्मी से या किसी और से बातचीत करी और उसके समाधान को ढूंढा और तब जाके वो ठीक हुआ। तो समाधान क्या है वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। अगर खाने के बाद लगे कि थोड़ी एसिडिटी बन रही है, पहले तो आपको चबा चबा कर खाना है, फिर भी अगर लगे तो उसके एक घंटे बाद, खाने के एक घंटे बाद आपको गुनगुना पानी पीना है। तेज गर्म भी नहीं पीना है और ठंडा भी नहीं पीना, गुनगुना पानी पीजिए। फिर देखेंगे कि आपका खाना डाइजेस्ट होने लगेगा, आपको खुद ही बॉडी में लगेगा कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे जो एसिडिटी थी वो हल्की होती जा रही है। अगर फिर भी आपको लगे कि अभी भी एसिडिटी है, गले में थोड़ी जलन है, तो फिर आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। एक बार आपने पानी पिया, उसके आधे 1.5 घंटे बाद एक बार फिर से पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि खाना हजम हो रहा है, हजम होने लग गया है, फिर आप उसके 1 घंटे बाद घड़े का पानी पी सकते हैं ठंडा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अगर आपको उल्टी आने वाली हो तो उल्टी कर लीजिए, आप पानी पी के थोड़ा उल्टी कर सकते हैं, उससे आपका जो एसिड है वो निकल जाएगा। अगर लगे कि उल्टी नहीं आ रही है तब आप क्या करें, पहले गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी के 1 घंटे बाद आप क्या करिए कि घड़े का पानी ले, घड़े में जो रखा, फ्रिज का पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये नुकसान ही देने वाला है, ये फ़ायदा नहीं करेगा फ्रिज का पानी। उसके लिए आपको घड़े का पानी लेना, उसमें आप शक्कर डाल लीजिए, वही जो शक्कर मैंने बताई थी उसमें आप वो शक्कर डालिए 2-3 चम्मच, 1/4 कप दूध का डालना, उसको अच्छे से मिलाइए और सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पीना है। पानी आपको कैसे पीना है, पानी आपको दांत बीच के ऐसे करके, दांत बीच के और ग्लास को मुंह के लगा के, आपका ऊपर वाला होंठ आपका पानी के अंदर होना चाहिए और आपको धीरे धीरे दांत बीच के ही आपको पानी अंदर ले जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी आपके अंदर जाए और धीरे धीरे ऐसे, मतलब छोटी छोटी घूंट के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपके अंदर पानी जाना चाहिए। तब देखना फ्रेंड कितना आपको लाभ करेगा। ऐसे अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी एसिडिटी वगैरह, जो अफारा आता है पेट में, गैस बन रही है, सब कुछ गायब हो जाएगा। सिर्फ पानी मात्र से ही आपका जो भी आपको बीमारी है पेट से रिलेटेड, वो सब कुछ गायब हो जाएगी। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आपकी एसिड लगातार बनती रहती है तो आपको अल्सर भी हो सकता है, कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इन बीमारियों को बढ़ावा क्यों देना, क्योंकि हम सिर्फ पानी से ही इन सबको शांत कर सकते हैं। तो इसलिए आप आजमा के देखिए। जब भी आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में सबके घरों में उल्टा सीधा ही बनता है, शादी ब्याह में कई तरह की अपोजिट चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, सब खाने पे लगते हैं क्योंकि सब लोग खा रहे होते हैं तो मन तो करता ही है। वहाँ आपको उल्टा सीधा खाना पड़ता है, सभी की शादियों में ऐसे ही खाना बना होता है, तला भुना चटपटा मिर्च मसाले वाला, तो वहाँ कोई आपको ऐसा भोजन नहीं मिलेगा जो सादा हो, अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पर तो सादे भोजन बनते ही नहीं है, सभी भोजन ऐसे ही रहते हैं। तब आपको कैसे खाना है, तब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पहले कौन सी चीज़ खानी है,
जैसे मीठा पहला खाना होता है, नमकीन बाद में खाना होता है, तो उस चीज़ का आप डिसाइड कर लीजिए कि पहले क्या खाना है। फिर आपको उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है, ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ आपने शुरू में ही आपने दो तीन प्लेट ले ली उसको भर भर के खा रहे, ऐसे नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाते जाना है। हर चीज़ का टेस्ट लीजिए आप, जो भी आपको पसंद है आपके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लीजिए और आराम से चबा चबा कर खाइए, धीरे धीरे खाइए। फिर आप क्या करते हैं कि मान लो आपका आइसक्रीम का भी मन है, कॉफ़ी का भी मन है, होता ही है अक्सर शादियों में सभी लोग आइसक्रीम भी खा के आते हैं और कॉफ़ी भी पी के आते हैं, ऊपर से जूस आदि रहते हैं वो भी पी करके आते हैं, तो तब आपको क्या करना है, अगर आपका मन है सारी चीज़ खाने का तो आप क्या कर लीजिए, शुरू में आप आइसक्रीम खा लीजिए। पहले तो आइसक्रीम को ठंडे ठंडे एकदम नहीं निकलना है, ऐसे नहीं करना है, उसको धीरे धीरे जीभ के ऊपर रख के पिंगला पिंगला करके थोड़े थोड़ा बाइट्स में खाना है, जिससे क्या होगी आइसक्रीम धीरे धीरे अंदर जाएगी, लिक्विड के रूप में जाएगी, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी। फिर उसके 10 मिनट बाद आप अपना खाना शुरू कर दीजिए, आपको जो भी खाना है, जो गर्म खाना होता है उसको धीरे धीरे खाइए, हल्का गर्म होने तक, मतलब कि ज़्यादा गर्म अंदर ना जाए, इस तरीके से खाइए। खाने के बाद आप आधा घंटा रुक जाइए, आपको कॉफ़ी पीनी है तो आधा घंटा आप रुक जाइए, एक दूसरे से बात कर लीजिए या कहीं और अपना ध्यान ले जाइए थोड़ा, तो जब आधा घंटा हो जाए तो आप कॉफ़ी ले लीजिए। कॉफ़ी को भी आपको ऐसे ही हल्की हल्की बूंदों के रूप में घुट घुट करके पीना है, ताकि उसका सामान्य तापमान जो है वो बॉडी के अंदर जाए, एकदम गर्म नहीं जानी चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हर भोजन आपका सामान्य तापमान पर पहुँचेगा और कोई भी अपोजिट भोजन एक साथ जाकर अवरुद्ध पैदा नहीं करेगा, उससे आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपके पेट में कोई अफारा नहीं आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना एसिडिटी बनेगी। फिर उसके बाद आप घर आइए, आप देख लीजिए एक घंटा हो गया है, एक घंटे के बाद आप गर्म पानी, मतलब कि इतना रखिए कि गुनगुने से थोड़ा हल्का तेज सा हो, ज़्यादा तेज नहीं रखना है, वो आपको घूट घूट करके पीना है। फिर देखिए कहाँ गया आपका भोजन, कहाँ गया आपका तला भुना, आप खुद ही इसको फील करेंगे कि अरे जो चटपटा तला भुना भोजन था वो सब गायब, और आपका डाइजेशन इतना अच्छा होगा, ना आपका एसिडिटी बनेगी और आपका मोटापा भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। आप देखेंगे आपका पेट बढ़ना बंद हो जाएगा, जहाँ आपका पेट तेज़ी से बढ़ रहा था वहीं रुक जाएगा, धीरे धीरे आप अपना वेट लॉस करने लगेंगे। अगर आप ऐसे एक महीना करते हैं, रेगुलर इस तरीके को अपनाते हैं, तो आपका वेट ज़रूर कम होगा, 100% कम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये पसंद आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।